झारखंड के जिला सिमडेगा के बानो प्रखंड के अंतर्गत हाथी प्रभावित क्षेत्र के लोगों के बीच बानो वन क्षेत्र के रेंजर सुशील पांडे ने मुआवजा का वितरण किया। वहीं मौके पर 39 हाथी प्रभावित लोगों के बीच 6,18,400 रुपए का मुआवजा वितरण किया। वहीं मौके पर सुशील पांडे ने ग्रामीणों से आग्रह करते हुए कहा कि वे घरों में मादक पदार्थ नहीं रखे। मादक पदार्थों से हाथी आकर्षित होते हैं। हाथी मादक पदार्थों के लिए अक्सर घरों को नुकसान पहुँचाए हैं। उन्होंने लोगों को हाथी से सतर्क रहने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को जंगल में आग नहीं लगाने की बात कही एवं कहा कि आग लगने के कारण जंगल में छोटे छोटे पौधे जल जाते हैं। साथ ही आग लगाने के कारण बड़े पेड़ों पर भी इसका असर पड़ता है, इसलिए उन्होंने ग्रामीणों से अपील किया है कि किसी भी हालत में जंगलों में आग लगाने या आग लगी का काम बिल्कुल ना करें। वहीं प्रमुख सेवानी बर्जो ने कहा कि जंगल के साथी हैं हाथी, उन्हें ना छेड़ें। वहीं चूड़ामणि यादव ने जंगल बचाने के लिए सभी लोगों को आगे आने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य स्रोत जंगल है, इसे बचा कर रखें। वन उत्पाद जलने से कई तरह के पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। वहीं मौके पर बानो वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष रंजीत पड़ाई, पांकी के अध्यक्ष परशुराम सिंह, फॉरेस्टर उमेश प्रसाद, मनीष टुंडू, संदीप एंड विवेक वर्मा, राजू कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। वो सूख जाए तो फिर वो बड़ा की उम्मीद कैसे रखते हैं, बड़ा नहीं हो पाएगा। आज आप लोग सभी के पूर्वज ने इस जंगल को, धरोहर को बहुत परिश्रम कर करके उनको बचाया है। आप लोगों का भी फर्ज होता है कि आप लोग भी जंगल को बचाएं, ताकि आने वाला पीढ़ी को भी आप शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण में रख सकिए। और हम लोग सब गांव से आप लोग आए हैं, सब लोगों से आप लोग से विचार चाहेंगे कि सभी लोगों से आए कि हम लोग कैसे करें कि जंगल में आग न लगे। क्योंकि जंगल में आग पहले लगता था, वो बांस से घर्षण होता था तो लगता था, लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं है। अब चाहे कोई भी हो, भाई बंधु माता बहने, जाने अनजाने में गलतफहमी में एक और फैक्टर ये भी है कि हम लोग जब बाजार से कहीं जाते रहते हैं या पगडंडी रास्ता होता है तो बीड़ी सिगरेट पी करके भी आदमी लगाते हैं। अखंड भारत न्यूज के लिए शिवनंदन बड़ाई की रिपोर्ट, सिमडेगा।